यहां पर 301 पोलिंग में से सौ पोलिंग के नाइज सामने आ चुके हैं गैर हतमी गैर सरकारी बिल्कुल किरण आगे बढ़ते हैं शेखबुरा के बारे में जैसे की आप जिक्र कर रही है राना तनवीर हुसैन यहाँ पर आगे है एन ए अठारह की बात करते हैं हरीपुर की और हरीपुर में 130 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा अब सामने आया है उमर अयूब यहां पर आजाद हैसियत से जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं दो सौ छिहत्तर आगे हैं जबकि बाबर नवाज मुस्लिम लीग नून के उनतीस हजार एक सौ अठतीस वोट लेकर पीछे हैं आगे बढ़ते हैं शहीद बे नजीराबाद की बात करते हैं एन ए दो सौ आठ ये हल्का है नेशनल असेंबली का गुलाम मुस्तफा शाह पीपल्स पार्टी के यहां पर आगे हैं और ये काफी आगे हैं आपको बताएं कि 67,405 इनके वोट्स हैं जबकि जीडीए डी यहां पर काफी पीछे है इक्कीस उनके वोट हैं तो एक बड़ी बर्तरी यहां पर पीपल्स पार्टी को हासिल है एन ए की बात करते हैं पीपल्स पार्टी यहां भी आगे है फजल अली शाह पीपल्स पार्टी के सतहत्तर

गैर गैर सरकारी नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी भी इस हल्के में पीछे है सांगड़ और, अपने, अपने और अब जरा हम आपको बताए वन नाइनटी एट घोटी वन के बारे में यहाँ खालिद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे दिखाई दे रहे हैं छब्बीस हजार छह सौ बानवे वोट इनके पास है मिया अब्दुल हक आजाद उम्मीदवार बाईस हजार दो सौ बयालीस वोट इनके पास है और एक और नतीजा

हाफिज नुमान यहां पर मुस्लिम लीग नून के आगे हैं चौदह हजार तीन सौ वोट वो हासिल कर चुके हैं मियां अजहर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो सात हजार पांच सौ वोट लेकर पीछे हैं लाहौर का तेरह हल्का है ये आगे बढ़ते हैं लाहौर का एक और हल्का एक अहम तरीन हल्का एन ए एक सौ अट्ठाईस यहां पर आजाद उम्मीदवार सलमान अक्रम राजा आगे हैं चार हजार तीन सौ इक्यासी वोट लेकर जबकि आई पी पी के ओन चौधरी यहां पर पीछे हैं एन ए एक सौ तेईस की बात करते हैं पी एम एल एन यहां पर आगे है एक हजार तीन सौ बयालीस वोट लेकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आगे हैं जबकि आजाद उम्मीदवार अफजाल पहाड़ यहां पर पीछे हैं आगे बढ़ते हैं एक की दोबारा से बात करते हैं बिल्कुल हाफिज नुमान यहां पर आगे हैं नून लीग के इनका हम जिक्र कर रहे थे तीस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आ गया है पांच के बारे में आपको बताया यहां पर में यहां पर आजाद उम्मीदवार भी आगे हैं जबकि पीपल्स पार्टी यहां पर पीछे है पीपी आठ की बात करते हैं सुबाई निशस्त है ये जावेद कौसर आजाद उम्मीदवार आगे हैं यहां पर पीपी एक सौ उनचास की बात करें तो यहां पर आईपीपी के अब्दुल अलीम खान आगे हैं उनको छह हजार तीस वोट मिले हैं अब तक और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो यहां पर है जीशान रशीद वो बहुत पीछे हैं उनको अब तक सिर्फ और सिर्फ दो हजार चार सौ सैंतीस वोट मिल सके के बारे में खान, पी पी से आठ के नाइज अब्दुल अलीम खान खास आगे दिखाई दे रहे हैं इस तैयार में पाकिस्तान पार्टी बहुत आगे है छह हजार तीस वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं जबकि आजाद उम्मीदवार जीशान रशीद बहुत पीछे दिखाई देते हैं दो

और मालाकंड की भी बात कर लेते हैं एन ए नौ है ये यहाँ पर जुनेद अकबर आजाद उम्मीदवार आगे हैं और पीपल्स पार्टी यहाँ पर पीछे है एन ए दस की बात करें बुनेर की तो यहाँ पर बैरस गौहर अली आगे हैं चार हजार आठ सौ इक्यावन वोट लेकर जबकि पी एम एल एन यहां पर छह सौ चौंतीस वोट के साथ पीछे हैं और इनके उम्मीदवार हैं सालार खान आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एन ए की शांगला की यहां पर अमीर मकाम पीछे हैं मुस्लिम लीग नून के उनको अब तक दो अड़सठ वोट मिले हैं जबकि फरीन खान जो हैं आजाद उम्मीदवार वो आगे हैं लेकिन ये इनको कोई बहुत बड़ी लीड यहां पर नहीं है बहुत यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो रहा है मानसेरा की बात करते हैं एन ए चौदह सरदार मोहम्मद यूसुफ पी एम एल एन यहां पर आगे है छह हजार एक सौ वोट अब तक हासिल कर चुकी है और अब बात करते हैं मानसेरा कमतुरगर की यहां पर एन ए पंद्रह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहां से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और यहां से अभी नवाज शरीफ पीछे हैं जबकि मोहम्मद जो है वो यहां पर आगे हैं एन ए सोलह की बात करें एबटाबाद की तो अली असगर आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं मुर्तजा जावेद जिनका ताल्लु मुस्लिम लीग नून से है वो यहां पर तेरह हजार दो सौ उनहत्तर वोट लेकर अभी तक दूसरे नंबर पर है क्लोज है बिल्कुल काफी क्लोज यहां पर मुकाबला जारी है एबटाबाद की ये सीट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं एन ए सत्तर

ताते जयूआई फेक है फजल हकानी 633 वोट्स इन्होंने हासिल किए अभी तक एनए 20 आपको बताए स्वाबी टू के बारे में शहरमतर कई आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते हुए 2979 वोट्स इनके हैं जबकि एएनपी के, के उम्मीदवार 1310 वोट्स के साथ दूसरी लीड पर हैं एनए 21 मर्दान एक मुजाहिद खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए पीछे आजम खान जयूआई से 1398 वोट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं एनए 22 मर्दान टू

कौन सा उम्मीदवार आगे है कौन सा पीछे है तो इस वक्त जो आप सभा की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पेशावर का हल्का एन ए उनतीस है जहां पर इरफान उल्लाई फे के आगे है एक सौ उनसठ वोट के साथ जबकि एन ए तीस की बात करें पेशावर की तो शानदाना गुलजार आजाद उम्मीदवार ग्यारह हजार एक सौ तीस वोट लेकर आगे हैं एन ए इकतीस में अरबाब शेर आजाद उम्मीदवार पांच सौ छब्बीस यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब तक आया है सामने जबकि एन ए बत्तीस गुलाम बिलोर यहाँ पर पीछे हैं ए एन पी के और आजाद उम्मीदवार आसिफ खान आगे हैं और उनको तीन हजार चार सौ बाईस वोट मिले हैं एन ए तैंतीस की बात करें तो शाह अहमद आजाद उम्मीदवार बाईस सौ बानवे वोट लेकर आगे हैं इसके साथ साथ तो कि एनए पैंतीस कोहाट में शहरियार आफ्री आगे हैं और उनको ग्यारह हजार सात सौ बीस वोट मिले हैं एक बड़ा डिफरेंस है इस वक्त जे यू आई फे और उनमें आपको साथ साथ ये भी बताएं कि बंगोकम और एन ए छत्तीस और यहाँ पर मोहम्मद यूसफ आजाद उम्मीदवार आगे हैं एन ए अड़तीस करक में यहाँ पर शाहिद अहमद आजाद उम्मीदवार आगे हैं चार सौ दस वोट लेकर

मिली हुई है वो है है वो लीड हजार के 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 हिसाब से जो कि बहुत थोड़ा सा मार्जिन इस्लामाबाद आमिर मुगल आजाद हैसियत में है। में उम्मीदवार अंजुम अकील ये ये साथ साथ दूसरी स्टैंडिंग पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी देखा तो। आमिर मुगल, आजाद हैसियत में लड़ते हुए आजाद हैसियत में लड़ते हुए दो हजार चार सौ तिहत्तर वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं हम बात